So you see, that's where the trouble began. So what's up guys, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल Short Tag Gaming में। हाल ही में आपने कुछ दिनों पहले न्यूज में देखा ही होगा कि 118 एप्स चाइनीज अब इंडिया में से बैन कर दिए गए हैं, जिनमें PUBG मोबाइल भी शामिल है। इस बात का सुनकर सभी PUBG प्लेयर तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद PUBG मोबाइल गेम फिर से प्ले स्टोर के ऊपर नए अपडेट के साथ लॉन्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को इंडियन मानते हैं तो आपको इंडियन गेम्स को भी थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारे देश में भी जो गेम की कम्युनिटी है थोड़ी सी ग्रो हो। इसी बात को हाईलाइट करते हुए मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ टॉप 5 इंडियन गेम्स फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस। सभी के सभी गेम्स इंडिया में डेवलप्ड किए गए हैं, तो अगर आपको पता करना है कि वो कौन से गेम है तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। पांचवें नंबर का जो हमारा इंडियन गेम है, इसका नाम है मास्क गन मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम। जैसा कि गेम के नाम से ही पता चल रहा है कि गेम हमारा मल्टीप्लेयर रहने वाला है, तो इसका मतलब इसमें आपको टीम डेथ मैच एंड बॉम्ब डिफ्यूज जैसे मोड्स देखने के लिए मिलेंगे। ग्राफिक्स भी बहुत बढ़िया हैं और इस गेम में आपको वेपन्स की स्किन्स भी मिल जाएंगे, जिनको आप गेम में परचेज कर सकते हैं। अगर गेम पसंद आया हो तो गेम को ज़रूर डाउनलोड करना। अब चलिए इसी की तरह बढ़ते हैं अपने चौथी गेम की तरफ। चौथे नंबर पे जो हमारा गेम है, इसका नाम है WCC 3। अगर आपने WCC 1 एंड 2 खेला होगा तो आपको तो पता ही है कि वो गेम्स कितने बढ़िया रह चुके हैं। रियलिटी मैचेस में जो आपने प्लेयर्स देखे हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है उनको डायरेक्टली कॉपी करते इस गेम को बनाया गया है, तो आपको बिल्कुल रियलिस्टिक सी फीलिंग मिलेगी जब आप इस गेम को प्ले करेंगे। प्ले स्टोर पे अभी इसका आपको बीटा मोड मिलेगा, चाहे तो आप उसको भी प्ले कर सकते हैं। क्रिकेट के दीवाने इस गेम को एक बार जरूर डाउनलोड करना। अब चलिए चलते हैं अपने तीसरे गेम की ओर। तीसरे नंबर पे जो हमारा गेम है, इसका नाम है स्कारफॉल। ये गेम हमारा बैटल रॉयल के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने फ्री फायर गेम खेला होगा तो वैसे ही आपको इसमें ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेंगे। गेम का जो साइज है वो 300 MB के करीब है। अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो ये गेम उसके अंदर भी बहुत अच्छे से वर्क कर जाएगा। और एक और बड़ी बात, इस गेम को आप ऑनलाइन तो प्ले करेंगे, पर लेकिन जब आपके पास डाटा नहीं होगा तो आप इसको ऑफलाइन भी प्ले कर सकते हैं। अगर आपको अब तक मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। अब चलिए इसी की तरह बढ़ते हैं अपने दूसरे गेम की ओर। दूसरे नंबर का जो हमारा गेम है, इसका नाम है इंडियन एयरफोर्स। अगर आपका भी सपना है कि आप बड़े हो के इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करें तो आप इस गेम को जरूर ट्राई करना। गेम में आपको काफी सारा एक्शन देखने के लिए मिलेगा। अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको टेररिस्ट के जो जेट प्लेन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होगा। बहुत ही हाई एंड ग्राफिक्स आपको इस गेम में देखने के लिए मिलेंगे। मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करना। अब चलिए जल्दी से करते हैं अपनी पहली गेम का खुलासा। पहले नंबर पे जो हमारा इंडियन गेम है, इसका नाम है रोग हीस्ट। ये गेम भी हमारा बैटल रॉयल के ऊपर बेस्ड है। ग्राफिक भी आपको बहुत ही कमाल के देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, ये गेम पबजी को टक्कर दे सकता है, क्योंकि इस गेम में वैसी एबिलिटी है जो कि उसके साथ कंपटीशन कर सके। अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया का कोई बहुत ही बढ़िया बैटल रॉयल गेम आगे निकल के आए तो आप इस गेम को जरूर सपोर्ट करना। गेम की अभी प्री रजिस्ट्रेशन ओपन है। मैं आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली रजिस्टर कर लेना। So, यही थे कुछ ऐसे टॉप 5 इंडियन गेम्स फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। अब आपका फर्ज है कि आप इनमें से किसी एक गेम को डाउनलोड करके अपने एंड्रॉइड डिवाइस में प्ले करें और मुझे बताएं कि आपको वो गेम कैसा लगा। और एक बात मत भूलना जो मैंने आपको बताई थी, जल्दी से लाइक और शेयर बटन दबा दबा के लाइक और शेयर ठोक दे मां काल के आशीर्वाद से। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।